अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं अपने रूम की कर रही हूँ सफाई। ये सुबह का व्लॉग नहीं है, ये है जी मैंने स्टार्ट किया था 2 बजे व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने। और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी सुबह, तो मैं इस रूम में नहीं थी। खैर हम लोग दूसरे रूम में थे, मेरी मामी के रूम में थे। मुझे बस अपने रूम में नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलें अभी मैं रूम में आई हूँ, अपना व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ ना जितनी भी क्लीनिंग वगैरह वो करती हूँ। और यहाँ पे मेरी जो डेली की यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें होती हैं। रोज़ वाटर अब मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि अभी रखूँगी। यहाँ पर पड़वा आपको नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है ना, तो ठंडा ठंडा फिर रोज़ वाटर बंदा स्प्रे कर लेते हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ किस तरह की गर्मी चल रही है। यहाँ पर तो इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा और लाइट भी नहीं होती। आज मैं 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये जो व्लॉग बना हुआ है ना, ये मेरा 1 दिन पहले का व्लॉग है, लेकिन आज मुझे अपलोड करने के लिए मेरे मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं होती, लाइट आती ही नहीं है। आती है थोड़ी देर फिर चली जाती है, फिर थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है। तो एडिट कैसे बंदा करे, अपलोड कैसे करे, क्योंकि हमारे यहाँ ना सर्विस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर इस तरह से मुझे टाइम काफ़ी लग जाता है व्लॉग अपलोड करने में। तो लाइट नहीं थी, सो मेरा रात को भी इतना दिल उदास था, मैंने कहा मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। और जैसे ही मेरा पता नहीं क्या मसला, जैसे ही मेरा चैनल थोड़ा सा अच्छा होता जाता है ना, तो फ़ौरन से ही ना मुझे पता नहीं क्या होता है कि मेरे व्लॉग्स नहीं अपलोड हो पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बस ये आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक रहम करें सब पे, हमारे पाकिस्तान पे, जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें, 5 वक्त की पक्की नमाज़ पढ़ें। और ये अजाब ही, ये जाहिर सी बात है जो सामने साफ साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मैंगो शेक पी रही थी, फ्रिज में ठंडा ठंडा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें ये पी लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, और इस वजह से। और मैं ये कह रही थी, मैंने कहा जितना हो सके ना तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ़ पढ़ें, अल्लाह पाक अपनी रहमत हमारे ऊपर बरसाएं और बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये शाम का टाइम है और यहाँ पे सारे बच्चे जितने भी हमारे ना वो सब यहाँ पे नहा रहे थे, टब में पानी वगैरह डाल के। कज़न ने सेन सारा वॉश किया है, सारा धो लिया है और इस टाइम पे धोते हैं, लेकिन जब पानी डालते हैं ना फर्श के ऊपर तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कुछ समझ नहीं आती ना क्या करे बंदा। हवा भी नहीं चलती, अगर चलती है तो गर्म हवा आती है, तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। और रात को तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊँगी, मर जाऊँगी। मैं ये बार बार कह रही थी, मैंने कहा मैं मर जाऊँगी। कहते हैं तुम्हारे लिए सिर्फ गर्मी नहीं आई, सबके लिए गर्मी है। मैंने कहा क्या करूँ, नहीं बर्दाश्त हो रही, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर मेरा बहुत दिल चाह रहा था ना, आज मैं मैक्रोनी बनाने को काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कीमा रखा है, इसमें सारे जितने स्पाइसेस डालने थे वो डाल दिए हैं। और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट एक बना के रखा हुआ है, और एक ये जो लहसुन है ना इसको पील ऑफ करके इसी तरह से हमने रखा हुआ है, जैसे अगर डालना हो तो डाल लेते हैं, अगर हमने ग्राइंड हुआ हुआ डालना हो तो वो डाल लेते हैं, अगर ये डालना हो तो ये डाल लेते हैं। तो अभी मैं इसके 5-6 जवे डालूँगी इसके अंदर, और जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना टमाटर वगैरह डाल के, तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि अब भी खड़े हो गए ना किचन में काम नहीं हो जाता, ये हालात हुए हुए हैं। तो मैंने कहा चलें जितनी देर में ये होगा मैं बाहर जाके ना आलू वगैरह कटिंग कर लेती हूँ, वो फिर बॉईल करने। और नहीं थी शिमला मिर्च और बंद गोभी नहीं थी, वो मैंने मामू से कहा है, वो कहते मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू भी साथ साथ बॉईल कर रही हूँ, और मैंने भी वॉइस ओवर करने के लिए पंखा बंद किया हुआ है ना, तो पसीने पसीने हुई हुई हूँ मैं, मुझे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी मुश्किल से बोल रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ये सारा इसका पानी खुश्क हो चुका है, प्याज भी मैंने कटिंग करके इसके अंदर ना डाल दिए थे, तो ये टमाटर है इसके अंदर मैं डालूँगी और इसको ना अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद इसमें सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, ज़ीरा वगैरह सारा कुछ मैं डालूँगी। अभी मैंने इसमें ना ज़ीरा नहीं डाला, गर्म मसाला भी वैसे डालते हैं लेकिन आज हमारा ख़त्म हुआ था तो वो मैंने नहीं डाला। पहले मैंने इसमें सूखा धनिया डाला था और लाल मिर्ची डाली थी, नमक डाला था, तो ये चीज़ें डाल के मैंने रख दी थी। और मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे तो उनके लिए पानी लेके जा रही थी, मैंने कहा साथ साथ ठंडा पानी पिए, क्योंकि यहाँ पे भी ना वो काम जहाँ इधर करते हैं ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और वो उन्होंने भी ऊपर कपड़ों के ऊपर पानी डाला था ना, तो सारे नीचे से कपड़े नज़र आ रहे होंगे घिले हुए हुए हैं। और यहाँ पे फिर हमारी मैक्रोनी बन गई थी और हम सब इकट्ठे बैठ के ना खाते हैं खाना, नीचे चटाई बिछा के दस्तरखान बिछा लेते हैं,
और यहाँ मेरी मामी के कमरे में ना एसी लगा हुआ है, तो हमने आज एसी ऑन किया। ये हाँ, ये जो कमरा था ना पहले मेरी दूसरी मामी का था, वो अब यहाँ से शिफ्ट हो गए, तो ये उनका एसी लगा हुआ है, तो आज हमने ऑन किया। मैंने कहा चले आज हम लगा लेते हैं, फिर वो जब आएंगे तो अपना एसी उतार के ले जाएंगे, उनका घर बन रहा है। अच्छा मुझे सब पूछते हैं मिस्त्री किसके लगे हुए हैं, तो वो उनके लगे हुए मिस्त्री, वो आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, तो उनका घर बन रहा है, तो खाना वगैरह ना उन्हें हम लोग देते हैं, मिस्त्री जो लगे हुए हैं घर बन रहा है। तो फिर मेरी छोटी कज़न है, उसके लिए मैंने फीडर बनाया था यहाँ पे, और इसको मैं शेक कर रही थी कि अभी गर्म करके लाई थी ना, तो इसलिए तो वो रो रही थी, उसे नींद आ रही थी, तो यहाँ पे जी उसको मैं फीडर दूंगी, वो अपना फीडर पिएगी, और उसके बाद हम लोगों ने जाना था बाहर, लेकिन आज हम लोग ना बाहर नहीं गए गर्मी की वजह से, और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। फिर तो हम लोग आए थे बाहर। अच्छा मैं अपनी तो मैंने हेयर शॉपिंग अभी तक ईद की नहीं की, जब मैं अपनी करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने किसी की शॉपिंग करनी थी, किसी के कपड़े लेने थे, तो उसके लिए हम लोग ना यहाँ पे आए हुए थे मार्केट में, और कुछ लेसेस वगैरह ज़रूरत थी वो लेनी थी, तो बस हम सब आए थे। लेकिन उफ गर्मी इतनी थी ना कि मौत है, तो ऐसे मुझे लग रहा था ना यहाँ पर मर जाएंगे। फ़ौरन से हम लोग घर चले गए, पंखे भी साथ लेके आए, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए हुए थे, तो मैंने कहा नहीं घर जाते हैं और मुझसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, तो फिर थोड़ी बहुत यहाँ से लेसेस वगैरह ली, और उसके बाद ना हम लोग घर आ गए, और यहाँ पे भी बार बार ठंडा पानी पी रहे थे। और आप लोग सुनाएं आप लोगों के क्या कैसे दिन गुजर रहे हैं और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। तो ये फिर मैं अपने हस्बैंड का सूट भी धो के गई थी, तो ये मैंने कहा चले मैं वॉश कर लेती हूँ डेली का, उनका एक सूट होता है एक शर्ट होती है, तो वो मैं भिगो के रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद ना वॉश कर लेती हूँ, इतना गंदा तो होता नहीं है, पसीने वाला ही होता है। तो मैं यहाँ पे ये वॉश करती हूँ, और उसके साथ अपने ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।